आप हमेशा संडे के दिन बिजी रहते हैं। देखो खूबसूरत है सनसेट तो वाह बोलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय सेल्फ काशी फयाज, होप यू ऑल आर गोइंग वेल। अभी हम है मटका गार्डन के अंदर और हमारी इधर फोटोशूट चालू है। अफकोर्स भाई फोटोशूट, जैसा आपने देखा है कि मेरा लास्ट ब्लॉग भी फोटोशूट का ही था। तो ये जो हमारे भाई है आवेश भाई फोटोग्राफर, और इनके साथ ये जाबर भी जाते हैं फोटोशूट को, मेरे को इनके साथ आना पड़ता है। अफरोज खान है ना, और क्या बोलते हैं अफरोज भाई? बस खैरियत भाई। कैमरा भी इनके पास कैमरा भी था, ये रेंट पे भी देते थे कैमरा, और दूसरा भी लेंगे नेक्स्ट संडे के दिन कैमरा नया। लास्ट ब्लॉग जो हमारा था औरंगाबाद केस के ऊपर, और वहाँ पर भी हम फोटोशूट के लिए गए थे, और वहाँ पर इसलिए मैं फोटोशूट को गया था क्योंकि आवेश भाई नहीं थे। तो सबने बोला नहीं तुम्हारे को भी फोटोशूट आता, तो बोलकर मेरे को लेके चले गए थे। ये आवेश भाई है, और जो आप अगर बहुत से जो औरंगाबाद के मेरे दोस्त थे वो सब जानते होंगे कि आवेश भाई हमेशा मेरे साथ रहते हैं, वेडिंग फोटोग्राफी वो करते हैं, मॉडलिंग करते हैं। तो अभी आउटडोर शूट के लिए आए थे, और यहाँ पर पूरा फैमिलीज आई हुई है, तो इसकी वजह से हमारे अफरोज भाई का बोलना है कि यहाँ पर फोटो शूट नहीं करना। लेडीज़ की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होता है, अगर किसी के घर की लेडीज़ आ जाती है। इसका यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, बामू यूनिवर्सिटी, डॉक्टर बामू यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। अभी अफरोज भाई यार आवेश भाई इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत अलग टॉपिक को डिस्कशन कर रहे हो। तुम्हारा नाम क्या है? वेद। वेद, अभी आगे जा रहे हैं अफरोज भाई की गाड़ी पे। स्टडीज के वास्ते तुम गए नहीं थे उधर यूनिवर्सिटी में? कभी नहीं गए, स्टडीज अपने कभी लाइफ में हमारे करे नहीं। अभी बस नई के बस अपने स्टडीज छोड़ दिए हैं। अभी काम में लड़के छेड़ दिए। चलो चलो चलो। ये बाबा साहेब अंबेडकर यूनिवर्सिटी है औरंगाबाद की, बामू यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर और बहुत बड़ी है, जैसा मैंने आपको थोड़े रोड के सीन्स बताया। यहाँ पर इधर से सनसेट अच्छा रहा और सब बोलते हैं कि औरंगाबाद का सनसेट एकदम ब्यूटीफुल है। आवेश भाई ने ये लोकेशन चूज़ किए, और वो आप स्क्रीन कैसा करते हो रोटेट वो बताइए इधर। अच्छा, वो मॉडल हमारे खड़े है। रनिंग शॉट लेने वाले हैं, राइट करते हुए आएंगे और आवेश भाई क्लिक करेंगे। आवेश भाई रेडी है आप? रेडी, ओके। हाँ, आज का संडे आपने हमारे साथ टाइम कैसा बिताया? बोले तो अच्छा, वैसे में आप हमेशा संडे के दिन बिजी रहते हैं। ये इसका लो, इसका उसका नहीं, उसका छोड़ दिया, उसको छोड़ दिए। अब वो संडे वो टाइमिंग के ऊपर है, टाइमिंग के ऊपर है, एक घंटा टाइमिंग दे। अच्छा अच्छा, सब सबका टाइम मैनेज करे हुए उन्होंने, इसको इतना टाइम देने का, उसको इतना टाइम देने का, अब ओवर टाइमिंग में नहीं। ओके ओके, क्या जबरदस्त दिख रही है बाइक, एकदम मॉडिफाइड। इंसिडेंट ये हो गया कि अफरोज भाई ने कुछ मल्टीपल शर्ट्स लेके आए थे फोटोशूट के लिए। नॉर्मली जब फोटोशूट को जाते हैं तो 102 ड्रेसेस लगते हैं साथ में। अफरोज भाई ने तो ड्रेसेस नहीं शर्ट्स लेके आए थे, तो वो शर्ट्स एक कैरी बैग के अंदर थी। तो वो कैरी बैग मेरे घर, वो मेरे घर पर आके बैठे थे, मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा था, तो गलती से वो घर पर रह गए, तो उसकी वजह से थोड़ा परेशान हो गए वो। अरे देखो हमारे आवेश भाई फोटोग्राफर कितनी अच्छी अच्छी जगह जाके फोटोशूट कर रहे हैं। मैं बोलूँगा अगर आप में से जो भी मेरे औरंगाबाद के फ्रेंड्स देख रहे हैं, भाई लोग, अगर आपको कभी आउटडोर फोटोशूट करने का है या वेडिंग फोटोशूट करने का है, तो किसी और को मत बोलना, आवेश भाई को बोलना डायरेक्ट, मेरे को कांटेक्ट करना, मैं आपको डायरेक्टली आवेश भाई से मिला दूंगा। अब एडिटिंग के लिए आलम भाई को मैं आज पूरे ब्लॉग में आपको बताना चाहता हूँ। आलम भाई ज़रा अभी कुछ दिनों से बहुत बिजी जा रहे हैं जिम के अंदर, उन्होंने बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन करे, उनकी जो हालत बढ़ गई थी तो उन्होंने अच्छा
उसको ट्रांसफॉर्म किए हैं और उन तो इसमें ज़रा बिजी है वो जिम के अंदर, तो थोड़ा एडिटिंग में आजकल सपोर्ट नहीं कर रहे, तो इसलिए मैं उनको शॉर्ट आउट दे रहा हूँ वीडियो के अंदर कि वो ज़रूर मदद करेंगे नेक्स्ट वीडियो से एडिटिंग के अंदर। फोटोशूट के ऊपर आए तो ऐसे बैग वगैरह संभालना पड़ता है अपने को क्लाइंट की। क्लाइंट तो नहीं, ये तो हमारा आज के जो हमारे क्या बोलेंगे आज के जो हमारे गेस्ट बोलेंगे हमारे एकदम चाइल्डहुड फ्रेंड है, वो बहुत से पीछे लगे थे मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज वगैरह आ रहे थे। आज संडे भी है तभी आवेश भाई को हमारे पूरे फ्रेंड सर्कल के लोग परेशान करते, जैसे कि लास्ट व्लॉग में शिव भाई के साथ मैं फोटो शूट को गया था तो वो भी बोल रहे थे, पर आवेश भाई जब जालना गए हुए थे यार मैं थोड़ा जालना में राणा मॉडलिंग तो सब पहचानते हैं, राणा मॉडलिंग पे बैठते हैं वहाँ पर। उनके अंडर ही ट्रेन हुआ है, उनके अंडर ही ट्रेन हुए। देखो खूबसूरत है सनसेट तो वाह बोलते, औरंगाबादी है हम हाउ बोलते, अरे वाह अरे क्या देखो सनसेट आ रहा है मुँह में कितना अच्छा रही क्लियरिटी। सर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पर हर तरह के कॉलेजेस है, ब्लॉग शूट करने का कोई मूड नहीं था, पर लास्ट संडे का जो मेरा ब्लॉग था तो वो मेरे पास था, तो मैं आज दोपहर में एडिटिंग करते बैठा और मैंने उसको अपलोड कर दिया हूँ। तो फिर ऐसी अफरोज भाई का बोलना था कि चलो फोटोशूट पर चलेंगे, आवेश भाई को हमने कॉल किए तो आवेश भाई उनके एल्बम डिज़ाइनिंग कर रहे थे, तो आवेश भाई फ्री होकर आए, फिर हम फोटोशूट पर आए। तो फोटोशूट पर आए तो पहले हम वो गार्डन में गए थे, तो वो गार्डन में पूरे फैमिली मेम्बर्स अपने फैमिलीज़ के साथ आए थे, तो कुछ लड़कियाँ वो लोग आए थे, तो वहाँ पर हम फोटोशूट कर रहे थे तो अच्छा नहीं लग रहा था, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में वो लोग आ जा रहे थे और फिर अच्छा नहीं लगता, कुछ लोग वो चीज़ को पसंद नहीं करते, तो हमने सोचा कि उनको क्यों डिस्टर्ब करें। तो फिर हम यूनिवर्सिटी आए, तो यूनिवर्सिटी में भी बहुत से लोग वॉकिंग के लिए आते हैं मॉर्निंग के अंदर, तो आप देखेंगे तो बहुत अच्छी जगह है वॉकिंग के लिए, और जो लोग हैदराबाद से देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बहुत इंशाल्लाह एक्सप्लोर के वीडियोस भी बनाऊंगा कि औरंगाबाद के अंदर कितनी अच्छी अच्छी जगह है घूमने के लिए देखने के लिए। गोगा बाबा टेकड़ी जो है वो इसी के पीछे आती है और औरंगाबाद के इधर ही आता है। आप देख रहे हैं कि मैंने आज हेयर कट किया हूँ, लास्ट ब्लॉग में मेरा हेयर कट नहीं था, कुछ काफ़ी बड़े थे बाल। ये दोनों ने बहुत अच्छी प्लेस ढूंढ के निकाले हैं फोटोशूट के लिए, यूनिवर्सिटी के अंदर ही है ये जगह और उसके ऊपर वो दिख रहा है वो गोगा बाबा टेकड़ी। ये आवेश भाई है, बातचीत एपिसोड के अपने जितने भी एपिसोड्स रहते हैं आवेश भाई शूट करते हैं, इनका भी चैनल है ये, हम तीन जनों का चैनल है, आलम खान आवेश भाई और मेरा, तो ये हमेशा बैक कैमरा रहते हैं, तो आज इनको मैंने कैमरे में स्पेशली फोकस कर रहा हूँ। तो ये दोनों भाई भी फोटो शूट कर रहे थे हमारे साथ में, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे फोटो क्लिक्स किए। क्या नाम है भाई तुम्हारा? आरिस खान। आरिस खान, और तो चलो फिर अल्लाह हाफिज। मुझे लगता है कि आज का व्लॉग हमें यही खत्म करना पड़ेगा क्योंकि इनका फोटो शूट कुछ खत्म नहीं हो रहा है। तो हो गया, सनसेट भी हो गया। जितना भी शूट हुआ तो हमारा आज का इतना सब व्लॉग था, तो अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज डू लाइक कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टिल देन स्टे हैप्पी स्टे कूल, ओके अल्लाह हाफिज़ बाय।